watching Patel YouTube channel. Today I'm going to unboxing Vivo 21. ये एक नया लेटेस्ट मोबाइल आया है Vivo का, अभी ऑफिशियली हुआ है मार्केट में। ये है Y31, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे हमें इसकी चिपसेट क्या है, कि रैम कितनी है, इसकी SSD कितनी है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इससे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मोबाइल रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और अनबॉक्सिंग रिव्यू की वीडियो एसेसरीज की आती रहे। जी मेरे से, तो फाइनली हम अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं। जो हम इसमें कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं उसको मैं पूरा बताता जाऊँ आपको। 48 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें और जो इसका डिस्प्ले है वो है 1080p डिस्प्ले है और इसका जो LED एक डिस्प्ले है इसमें, जो पहले इन्होंने इस प्राइस कैटेगरी में सुपर एमलेट जिस तरह Y51 में और S1 Vivo में दिए गए थे, लेकिन इसमें इन्होंने कम कर दिया। 5000 mAh बैटरी और विद फास्ट चार्जर 18 वाट का, और इन्होंने ऑडियो बूस्टर किया हुआ है जिनके बेहतरीन क्वालिटी से ऑडियो चिप चाहिए। अब हम फाइनली इसको अनबॉक्स करके देखते हैं हमें बॉक्स में देखने को क्या मिलता है। जी व्यूअर्स, फाइनली हम इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको बताता जाऊं, ये हमारे पास जो इस वक्त मॉडल है ये 4GB रैम और 128GB SSD के साथ है, जिसको हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। और आप फाइनली छुरी फेर दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाह अकबर हो गई है। तो हम अब इसको माशाल्लाह फाइनली हम इसको ओपन करते हैं। ये फर्स्ट प्रेशर है बॉक्स का, देखिएगा वाव। जब हम जैसे इसको अनबॉक्स करके देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक पैकिंग नज़र आती है, उसको ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें व्यूअर्स हमें एक केस मिलता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसा कि केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और फिलहाल तो ये बड़ी प्यारी लुक दे रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यार इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बाकी इसकी जो अंदर वाइब्रेट दी हुई है, अच्छी सिक्योरिटी है और एक्स्ट्रा ये इसका कैमरा भी लंबा होने वाला है, ये देखिएगा। इसमें सबसे बेहतरीन ये आता है कि आप जब आप इसका यूज़ कर रहे होते हैं, आपका मोबाइल अगर गिर जाए तो ये सेफ्ट बहुत देता है, क्योंकि ये स्क्रीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है। तो वीआर इसको हम साइड पर रखते हैं, ये कुछ वारंटी की शर्तें दी हुई हैं, हम उन्होंने उर्दू में लिखा, मैंने भी ऐसे ही बोलना था, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये सारी लिखी हुई, अहम मालूमात हैं ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे हम जाते हैं, फाइनली ये हमारी डिवाइस है, ये देखिए हमारे पास डिवाइस है। इसका कलर मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, बहुत लुक में आया है। इसमें इसको मैं ऑन करके साइड पर रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं बुक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिल रहा है। जैसे हम साइड पे करते हैं तो हमें बॉक्स में और देखने को मिल रहा है इस वक्त, ये एक नीचे सेफ्टी, ये IMEI नंबर वगैरह दिया हुआ है उन्होंने। और फाइनली हमें एक 18 वाट का अडाप्टर मिलता है, एक से साथ बड़ा अडाप्टर, ये फास्ट चार्जिंग, लेकिन अब मार्केट में जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनके इससे भी हाई आ रहे हैं, लेकिन ये 18 वाट का फास्ट चार्जर है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमें केबल मिलती है, ये Type-C केबल मिल रही है इस वक्त हमें जो मिल रही है, और इसके साथ ये Vivo की ये हैंड फ्री है जो तो बेहतरीन अच्छी क्वालिटी में होती है और बहुत प्यारी हैंड फ्री होती है, इसकी सेटिंग भी ख़राब नहीं होती, साउंड क्वालिटी भी बहुत बेटर होती है। और हमें बुक्स में कुछ भी नहीं मिला, बुक्स हमारा खाली है। फाइनली इसका सेटअप कर लिया, हमारे पास आ गया, ये देखें आप देख रहे हैं। इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो मैंने अभी दी है, एक तो इसका डिस्प्ले मैं आपको बता दूँ LED है और इसका डिस्प्ले 1080p है, जो कि एक LED डिस्प्ले है। इसने एमलेट से ऊपर की आदत डाल के आप Vivo एक्सेप्ट नहीं कर सकते जी इसमें दे, अब बस कंपनी की अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपना सिस्टम है। तो हम देखते हैं, वैसे जो चलाने में मज़ा आता है, सही क्लियर नज़र आता है। और सबसे एक और चीज़ है उन्होंने जो की हुई है, उन्होंने ये की है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस ऐप्स नहीं दी गई, सिर्फ एक लाइक की और ऐप एक्स्ट्रा दी गई है, बाकी जो Vivo की अपनी ऐप्स आ जाती थी धड़ाधड़ वो नहीं, गूगल पे दिया गया और बाकी कोई नहीं है। इसमें सिस्टम में बहुत मतलब जो होती हैं एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं है, सिर्फ एक यही ऐप्स हैं जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही हैं, वही ऐप्स हैं और इसमें कोई ऐप्स नहीं है, ये देखें। और बाकी ठीक है, बेहतरीन है मोबाइल देखने में, इसका टच सॉफ्ट है, इसका LED मैंने जिस तरह आपको बता दिया है।
और इसमें अबाउट वीवो वन वाई किया, और इसमें हमें जो रैम है 4 और 128, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये हमें देखने को मिला है। और इसमें एंड्रॉयड 11 अपडेट हो रहा है इस वक्त, जो लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉयड 11 चल रहा है ये देखिए। और ये एंड्रॉयड 11 है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त का। और व्यूअर्स, इसकी हम बात कर लें तो इसका जो साइड पे हमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें सिम जैक्स दी गई हुई है, जिसमें दो सिम्स और एक एसडी कार्ड लग सकते हैं। और यहाँ पे मैक दिया गया है हमें, और इसकी तरफ यहाँ पे हमें वॉल्यूम की दी गई है, और एक इसमें साइड फिंगरप्रिंट दिया गया, और आप लो वॉल्यूम की और साइड फिंगरप्रिंट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। भी नीचे सी टाइप सी चार्जिंग दी गई है, 3.5 mm जैक ऑडियंस दिया गया है, इसके साथ स्पीकर है, और इसमें कोई खास नहीं है। और अब हम कैमरे की बात करें तो हमारे पास जो कैमरा है इसका, वो हमारे पास 48 मेगापिक्सल है, और उसके साथ 2 मेगापिक्सल लेंस है, मैक्रो लेंस है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल हमारे पास डेप्थ लेंस है। और जो फ्रंट कैमरा या वो सेल्फी कैमरा, वो हमारे पास 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। और हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल दिखा देते हैं इसकी फ़ोटोज़ के कैप्चर करके। और इसके अलावा ऊपर आई बटन दिया हुआ है हमारा, वहाँ पे कैमरे का फुल रिव्यू दिया हुआ है हमने। अगर आप कैंडली इसका फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते हुए आई लिंक को जाके फुल रिव्यू भी देख सकते हैं। ये हम एक सैंपल बना के आपको दिखा देते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है, ये मैंने इसकी एक फ़ोटोज़ कैप्चर की है अडाप्टर की। और मैं इसको जूम करता हूँ तो जूम काफ़ी हद तक ठीक जा रहा है, और ये न्यू डिवाइस है इसलिए अपने फीचर्स शो करवा रहे हैं, ये देखिए। बाकी मज़ीद आप आई बटन पे क्लिक करके इसकी कर सकते हैं, ये कैप्चर इसमें ऑप्शंस अच्छे दिए हुए हैं। तो फाइनली जो आप फुल रिव्यू है कैमरे का, इसकी सेल्फी का वगैरह, तो फिर आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके फुल रिव्यू। ओके व्यूअर्स, फाइनली हमने ये आपको बता दिया इसका कैमरा, और इसकी लोगो बड़ी प्यारी है। और इसकी जो बॉडी की बात करें तो ये एक प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, शाइनिंग कलर में बनाई गई है, ये देखें बड़ी अच्छा लुक दे रहा है, काफ़ी कलर ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और बैक साइड तो बहुत अच्छी लुक बनाई गई है इसकी, लेकिन स्केचेस आने के चांसेस ज़्यादा बैक इस्तेमाल करेंगे, आजकल मार्केट में लैमिनेशन हो जाती हैं, वो चीज़ें सिक्योर कर देती हैं गाइस। जी वीयर्स, हमने फाइनली आपको इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी तमाम चीज़ें बता दी गई हैं हमारे, जो हमने आपको बताई हैं इसके परफॉर्मेंस। अगर आप इसके गेमिंग का टेस्ट देखना चाह रहे हैं, पबजी गेमिंग का टेस्ट का क्या रिजल्ट है, तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसमें हम आपको गेमिंग का भी रिजल्ट, इसमें परफॉर्मेंस बता देंगे आपको। और इसमें बहुत बेहतरीन ये डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 662 इसमें चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़ा पावरफुल इस प्राइस कैटेगरी में चिपसेट आता है। और उसकी जो उसकी रीज़न की वजह से आपकी बैटरी बहुत हाई है, 5000 mAh बैटरी है इसकी, और जो ये प्रोसेसर आपकी बैटरी को चिपसेट भी ज़ाया नहीं होने देगी, क्योंकि कितना पावरफुल चिपसेट होगा उतनी कम बैटरी आपका मोबाइल क्यों कर रहा होगा। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें। अगर आपके इस मोबाइल के डिवाइस से मतलब कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, मुझे किस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस बेहतर लगी है, आपकी क्या राय है ज़रूर करिएगा। और मज़ीद मालूम के लिए आपको बता दें कि ये वीडियो जो कामों की गई पटेल डॉक पीके की तरफ से की गई है, जहाँ पे जाके आप मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल तमाम चीज़ें बाय कर सकते हैं, वो भी 5% तक। नीचे प्रोमो कोड दिया गया है, उसको कॉपी करके आप जाएंगे कोई भी वेबसाइट में चीज़ बाय करेंगे तो आपको 5% तक प्रोमो कोड के साथ मिलेगी। अपना उस साथ में इजाज़त, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, गुड बाय।